पार्लियामेंट सत्र खत्म हुआ था तो मेरी इच्छा भी थी कि पिछली बार जब आए थे हम जल्दी जल्दी निकल गए थे, सबके साथ में एक बार बैठा जाए, तो 1:30 बजे के बाद में सीधा यहीं पर ही आ गया था। और कल हम बैठे, काफी देर बैठे, चर्चाएं हुई, क्योंकि लोकतंत्र का आप भी एक बहुत बड़ा स्तंभ है, आपके मन में भी जिज्ञासा रहती है और हमारे मन में भी रहता है कि भाई आपकी जिज्ञासा को भी पूर्ण किया जाना चाहिए और अपने विचारों को अपने आपके माध्यम से जनता तक भी पहुंचाना चाहिए। इसका सबका लाभ लेते हुए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। परंतु मुझे बड़ी खुशी हुई है, रात को हमने जो बैठकें की हैं, उस बैठकों में अपने जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं आदरणीय मदन कौशिक जी ने, जो इस कार्यकाल के अंदर जो अभी अभी शुरू हुआ है, बंशीधर भगत जी ने जितनी मेहनत की थी उसको आगे बढ़ाते हुए जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में जो उत्साह वर्धन किया है, और उसके बाद आगामी योजनाएं ली जाएंगी, जो एक दिन की चिंतन बैठक ली हुई है, आपको बाहर जानकारी भी है, वो हम जल्दी ही करेंगे क्योंकि यहाँ के संगठन मंत्री ऑलरेडी वेस्ट बंगाल के चुनाव में भी लगे हुए। उस दिन बैठ के सारी चर्चा होगी। मैं आपके माध्यम से मदन कौशिक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि अपेक्षा से भी कहीं ज्यादा वो अपनी ऊर्जा को लगा रहे हैं और कार्यकर्ता की एक कसौटी भी होती है ये। साथ साथ जो आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र रावत जी ने एक बहुत बड़ी विकास की नींव रखी थी, उस नींव पे बिल्डिंग बनाने का काम वर्तमान के मुख्यमंत्री जी ने किया है। जो रात को मंत्रिमंडल की बैठक हुई, सभी मंत्रियों से पूछा गया, कार्यकर्ताओं से पूछा गया, सोशल मीडिया में क्या चल रहा है उसमें भी चर्चा हुई, सबसे मिलकर मुझे बहुत संतुष्टि इस बात की हुई है कि जनता के अंदर एक उत्साह जो वो मोदी जी के प्रति बना हुआ उसमें कई गुना बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान मुख्यमंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि उन्होंने कई ऐतिहासिक कदम ऐसे उठाए हैं जो गरीबों के लिए बड़े ही अच्छे साबित होंगे, जैसे जिला विकास प्राधिकरण को पूरे 2016 की स्थिति में लाना, अनेकों अनेक बेचारे गरीब लोग हैं मकान बना लेते हैं, उनको नोटाइज ना डिक्लेयर किया जाए, नक्शे वक्शे की समस्या, सारी समस्या का समाधान करने का जो उन्होंने काम किया है, ये उनके मन की ये पीड़ा दिखाती है कि गरीबों के प्रति वो कितना हितैषी है और कैसे हमें इसको काम को करना चाहिए। साथ साथ 10,000 वन प्रहरियों की नियुक्ति जो की है उन्होंने वन अग्नि रोकने के लिए, क्योंकि प्रकृति ही एक बैलेंस बनाती है, हमारे जीवन का प्रमुख अंग है और उसको बचाना भी हमारा एक लक्ष्य है, खाली जीना और भौतिकवादी हमारा लक्ष्य नहीं होता। पिछले दिनों दो घटनाएं अनफॉर्चुनेटली घटी हैं। एक घटना यह घटी कि मुझे वहां जो अपने दौरे पर जाना था बागेश्वर में, लेकिन जिन माननीय मंत्री जी को मेरे साथ जाना था अचानक ही वो बाई कार चले गए और मुझे चूंकि समय था, समय होने के कारण थोड़ी विलंब ना हो और मैं हेलीकॉप्टर से वहां गया। इसी प्रकार से जो हमारी प्रभारी थी रेखा वर्मा जी, उनको एक किसी कार्यक्रम में निमित्त जाना था और मंत्री जी का भी कार्यक्रम था, तो यहां से नैनीताल में जाने के बाद उनको भी जाने की आवश्यकता पड़ी, जो वास्तव में नहीं होना चाहिए था, इसके लिए हमने कहा है। और पार्टी ने ये डिसाइड किया है कि इन दोनों यात्राओं पर जितना भी खर्चा होगा वो पार्टी से हम उसको देंगे और किसी भी रूप में ऊपर से नीचे तक एक पारदर्शी तरीके से हमारी सरकारें चलें, पारदर्शी तरीके से सरकारें उस रूप में आगे बढ़ रही है। 4 साल तक हमारी सरकार पर किसी तरह का कोई उंगली नहीं उठ पाई, तो इस प्रकार से इन दोनों विषयों को लेकर और कल बातचीत के बाद ये तय किया गया इस जो पेमेंट होगा उस पेमेंट को हम करेंगे। कल से हमारे मध्य में हमारे राष्ट्रीय महासचिव, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता और 3 राज्यों के आप प्रभारी हैं, इससे अलग महिला मोर्चे के देशभर का काम आप भी देखते हैं, कल हमारे मध्य में आए थे। कल हम लोगों ने सल्ट को लेकर एक बड़ी बैठक की है, करीब 7:30 बजे शुरू हुई थी और वो बैठक 11 बजे के लगभग तक चली है। उस बैठक में हमने जो पहले हमारी समिति थी उस समिति के मध्य में हमने
दो नाम और बढ़ाने का निश्चय किया है। अब उसमें जो काम करने वाले लोग हैं वहां उसमें कैलाश शर्मा जो पूर्व विधायक रहे अल्मोड़ा के, वो भी उसमें रहेंगे। अजय भट्ट जी जो पूर्व में अध्यक्ष भी रहे हैं और इस समय सांसद हैं, वो भी वहां रहेंगे। धन सिंह रावत जी उसमें रहेंगे, यशपाल आर्य जी उसमें रहेंगे, सुरेश भट्ट जी उसमें रहेंगे। इस प्रकार ये पांच हमारे वरिष्ठ नेता हैं जिनको अलग अलग करके वहां एक जिम्मेदारी दी गई है। इससे अलग सभी वरिष्ठ जो हमारे लोग हैं उनसे काफी देर तक चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद इन नेताओं को वहां तत्काल पहुंचने को कहा गया है और आवश्यकता अनुसार बाकी सबको वहां लगाने की आवश्यकता पड़ेगी वो लगाएंगे और संभवतः जल्दी ही जो टिकट का फाइनल है वो केंद्र नेतृत्व करेगा।